इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इस जानवर का। ये देखो 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 क्या है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और साथ में गुड मॉर्निंग। और फाइनली सो के तोड़ चुका हूँ, और जैसे ही मैंने ये गेट खोला है, और ये देखो एकदम गेट पे खड़े हैं महाराज से। चल बोले बाय, गले बाय। इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इस जानवर का। ये देखो 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 क्या है। मतलब सुबह सुबह गेट खोलते ही महाराज दिख गए हमें। अब देखो इधर से उधर घूमेंगे। इनका तो जब मर्जी तब आ जाते हैं और फिर उसके बाद चिल्लाने लगते हैं बस। तो यहाँ पे फाइनली बिल्ले को उसका खाना मिल गया इतने हड़ताल इतने चिल्लाने के बाद। और ये डेली इसकी ऐसी आदत है, मतलब चिल्लाता ही होता है किसी के लिए। तो फाइनली कॉलेज के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो फटाफट निकलते हैं नीचे। अब से आ चुका है तो फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे मम्मी का तो एज यूजुअल खाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से। कॉलेज पहुंच चुके हैं, चलो फटाफट क्लास में चलते हैं और फिर क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली लंच हो चुका है और यहाँ पे गिन के 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक अभिषेक, अपने मनोज सर और फैजान जो भी बहुत टेंस मूड में हैं, और हम बैठे हैं, बाकी सब तो जा चुके हैं। तो चलो अभी इनका यहाँ पे डाउनलोड चल रहा है। फाइनली सब कुछ हो चुका है और अब लंच टाइम हो चुका है, मतलब लंच टाइम हम लोग का तो तबका हो गया था बट ख़त्म हुआ है। अब फाइनली अब घर के लिए निकल रहा हूँ, और आज बहुत टाइम बाद कॉलेज आया था क्योंकि अभी इतनी अच्छी खासी पढ़ाई नहीं हो रही, वही नॉर्मल सी हो रही है। तो अब चलो घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आराम करते हैं, क्या बहुत दिनों बाद थकावट सी होगी। फाइनली घर के पास पहुँच रहा था एक्चुअली, और कॉलेज खत्म हो गया। चलो घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। जल्दी से पहुँचते हैं भाई साहब, भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली और थक बहुत ज़्यादा गए हैं, नींद भी अलग आ रही है। तो फाइनली घर आके कपड़े वपड़े बदल लिया हूँ और अब बारी खाना खाने की। तो खाने में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मम्मी तो यहाँ पे पराठे बना रही हैं और हमें मिल चुका है हमारा खाना, जो कि है ये कोफ्ता पराठे और साथ में चटनी भी है। मेरे को जाना है थोड़ी बहुत कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, तो चलो चलते हैं बेगमपुर और कपड़ों की शॉपिंग करके आते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत चुका बेगमपुर मार्केट और चलो देखते हैं कपड़े की दुकान और खरीदते हैं कपड़े। तो फाइनली ये वाला ब्लेज़र सूट जो भी कहते हैं ये डन हुआ है, और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, देखने में ठीक ठाक है, मैंने पहन के देखा था सही है। बाकी यहाँ पापा बैठे हैं, फटाफट घर निकलते हैं। पीछे हमारी ब्लॉगिंग को देख के लोग रिएक्ट कर रहे थे बट हमें क्या, हम तो अपने ब्लॉग पे जाते थे। चलो चलते हैं पापा इंतजार करके आगे चलिए। बाकी ये हमारा सूट और साथ में है संतरा, तो चलो फटाफट पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे हम आए हैं फेरू से मिलने के लिए। फेरू नहीं फेरू फेरू यहाँ पे फेरी हमारे साथ खेल रही है और इसका मालिक वहाँ बैठा हुआ है फोन पे। क्या नहीं फेरू, ओए फेरू।
तो फाइनली घर आ चुका हूँ और अब बारी है कुछ खाने की, बट भूख नहीं लग रही मेरे को एक्चुअली। तो मैं सोचा हूँ सो ही जाऊँ, खाना आज स्किप करते हैं और आराम से सो जाते हैं। थोड़ी तबीयत सी भी सही नहीं लग रही है, तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए तो फटाक से ब्लॉग को लाइक कर दो, मतलब कर दो यार। अब मैं क्या ही बोलूँ, कितनी बार कहूँगा, तुम लोग करते नहीं हो। शॉर्ट्स पे भी आज के शॉर्ट्स पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, बट सब्सक्राइब रेट वही डाउन रहता है, कोई करता ही नहीं है। बटन कंजूसी करते हो बताने में, ऐसे जो बटन ऐसे टैप कर दो। तो बाकी मैं क्या ही कहूँ, नहीं करते लोग तो, मतलब हमारी हार्डवर्क हमारी मेहनत तुम्हें नहीं दिखती तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई ना, कभी ना कभी तो करोगे ही, हम उस दिन का इंतजार करते हैं। तो बस फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।